नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 नेटवर्क में। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हो रहे सियासी जंग ने रफ्तार पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार आज यानी 15 अक्टूबर को यूपी चुनाव की तारीख की घोषणा होने की संभावना बताई जा रही है। यूपी में दो दिग्गजों के परीक्षा की घड़ी फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव तंज और तानों के लिए अक्सर चर्चाओं में आते रहते हैं। अब एक दूसरे पर तीखे बयानबाजी के कारण की बात की जाए तो प्रदेश में सीएम की कुर्सी ही मुख्य कारण है। हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव के बाद अब यूपी में भी बीजेपी सरकार बाजी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वहीं सपा पार्टी भी कतई पीछे हटने वाली नहीं है। बता दें कि प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें गाजियाबाद, कुंदर की खैर, मीरापुर, गरहल, कचहरी, मिल्कीपुर, मझवा, सीमामऊ और फूलपुर शामिल हैं। कानपुर की सीमामऊ सीट पर यहां के सपा विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के कारण खाली हुई थी, जबकि बाकी 9 सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। आमतौर पर सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर उसे भरना होता है। यूपी के सांसद बने 9 विधायकों ने 10 से 14 जून के बीच इस्तीफा दिया था। इस हिसाब से 14 सितंबर से पहले ये सीटें भरी जानी चाहिए, लेकिन इरफान की सीट 7 जून को ही रिक्त घोषित की गई थी, इसलिए यह 7 सितंबर के पहले भरी जानी है, इसलिए नवम्बर में उपचुनाव ही होने हैं। अब देखना ये होगा कि यूपी की जनता किसे सरकार बनाने का हक देती है और किसके हाथ आती है निराशा। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।